अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं मैंगो कुल्फा। उसके लिए मैंने लिया है आधा किलो दूध, उसको बॉईल करने रख दें और उसमें दो से तीन इलायचियाँ डाल दें। फिर हम उसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी हमने डाल ली है तकरीबन 4 टेबलस्पून भर के। उसके बाद हमने जब दूध बॉईल हो जाए, जैसे कि देख रहे हैं आप, 4 डबल रोटी के स्लाइस लिए और उसको हमने क्रम्स बना लिया। और ये ब्रेड क्रम्स जो हैं आपने दूध में शामिल कर देने हैं और अब हम इन्हें पकाएंगे। इसमें से एक बहुत मज़ेदार सी खुशबू आने लगेगी। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कटे हुए पिस्ते और बादाम। ये देखिए हमारा जो दूध है वो पक रहा है और थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो गया है, तो हम इसमें अब ये मेवे शामिल कर देंगे और इनको डाल के थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। ये देखिए हमारा जो कुल्फे का मिक्सचर है ये रेडी है। ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, गाढ़ा सा। और अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हमें चाहिए मैंगो प्यूरी। ले लीजिए एक आम लीजिए और उसको आपने ब्लेंड कर लेना है तो मैंगो प्यूरी बन जाएगी। अब हम एक कंटेनर लेंगे और उसके अंदर मैं ये कुल्फे का मिक्सचर अपना डाल दूंगी। अच्छा इसे हमें ठंडा कर लेना है, जब ये थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो उसके बाद आपने इसमें मैंगो प्यूरी मिलाना है। अगर आपने पहले इसमें डाल दिया ना तो ये फट जाएगा और टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो जब ये ठंडा हो जाए तो फिर आपने इसमें मैंगो प्यूरी ऐड करके बस इसको मिक्स करके इस तरीके से कुल्फे के अंदर हमारे मिक्स कर लेना। तो देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है, जस्ट गाढ़ा सा हो गया ये। और मैंने इसमें मैंगो चंक्स ऐड कर दिए और फिर इसके बाद मैं इसके ऊपर पिस्ते और बादाम भी लगा दूँगी। ये रेडी हो गया हमारा कुल्फा। अब हमने इसको अच्छी तरीके से ये देखें डेकोरेट कर दिया, कवर लगा देंगे अब हम इसका और अब हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे ताकि फ्रीज़ हो जाए। ये मैंने 2 घंटे रख दिया था, हमारा जो कुल्फा है वो जम चुका है और यमी लग रहा है। इसको हम कट करके निकाल लेंगे। बहुत इजीली बन जाता है ये क्विकली और ना आपको खोए की ज़रूरत है और ना किसी और चीज़ की। इजी है बनाना, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारा मैंगो कुल्फा रेडी है और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।